Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. So in this video we are going to start our new topic, that is circulatory system. In our body we need to circulate the blood to each and every part of our body. ओके हमें अपनी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कराना होता है. क्यों? क्योंकि ब्लड इज़ द ओनली मीडियम थ्रू विच वी कैन ट्रांसपोर्ट थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. विच थिंग्स कैन बी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्यूबल प्रोटीन्स एंड इनफैक्ट वेस्ट लाइक नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिक एसिड, ऑल दीज आर नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन आर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. सो इन आर बॉडी ब्लड इज़ द ओनली मीडियम. हमारी बॉडी में जैसे इन केस आपको कहीं से कहीं यू नो शिफ्ट करना होता है तो यू कैन यूज़ रोडवेज, यू कैन यूज़ यू नो एयरवेज टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट इन आर बॉडी ब्लड इज़ द ओनली मीडियम जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए. और वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन द सेम थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या समझना है कि हमें ब्लड को सर्कुलेट कराना है हर एक बॉडी पार्ट में. ओके, तो ब्लड में जो सर्कुलेशन होने वाला है और ये पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो बन के निकलेगा उसमें तीन चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो ब्लड को पंप करे और ब्लड पे एक तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करे सो दैट वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाए. तो वी नीड टू हैव अ पंपिंग ऑर्गन. अब पंपिंग ऑर्गन, इसमें हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट, इजंट इट? नाउ सेकंड वन इज वी नीड टू हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. हमारे पास एक नेटवर्क अच्छा होना चाहिए ताकि, क्योंकि जो भी है ऑक्सीजन या कोई भी चीज़ है वो तो हर एक सेल को नीड है ना, हर एक सेल के पास डिमांड है इन सब चीज़ों की. तो हमें जो भी मटेरियल है वो हर एक सेल तक पहुंचाना है, इसीलिए हमारे पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होना चाहिए जिसमें हम पढ़ते हैं आर्टरीज़ के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं वेन्स के बारे में और इसमें हम पढ़ते हैं कैपिलरीज़ के बारे में. ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज जो हमारे पास होनी चाहिए वो ये है कि ये जो पूरा सिस्टम, वी नीड टू हैव अ गुड सिस्टम इन प्लेस. हमारे पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जो इंश्योर करे, दैट इंश्योर्स दैट इफ एनी डैमेजेस टेक प्लेस इट कैन बी रिपेयर. अगर कोई भी डैमेज पूरे सिस्टम में हो जाता है तो वो हम रिपेयर कर सकते हैं. तो वी नीड टू हैव अ गुड सिस्टम इन प्लेस, अ सिस्टम इन प्लेस, अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट इफ एनी डैमेजेस टेक प्लेस इट कैन बी रिपेयर. तो ये तीन चीज़ें जब प्रॉपरली मिलके काम करेंगी तब हम समझेंगे कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है. तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. अ पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट. हार्ट इज आर पंपिंग ऑर्गन. ओके, इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन बट इट इज़ नॉट अ प्यूरिफिकेशन सेंटर. यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. वो कोई प्यूरिफिकेशन सेंटर है, यहाँ पे पूरे ब्लड, पूरे हार्ट में कहीं भी ब्लड का यू नो प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लड एक प्यूरिफिकेशन सेंटर नहीं है. हमारा प्यूरिफिकेशन सेंटर कहाँ है? हमारा प्यूरिफिकेशन सेंटर लंग्स है. तो लंग्स हैं तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वियोलाई के सर्फेस पे, तो वो एक प्यूरिफिकेशन सेंटर है. तो ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जाएगा? लंग्स तक जाएगा, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आएगा. तो हमारा जो हार्ट है वो कोई प्यूरिफिकेशन सेंटर नहीं है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारी इसकी लोकेशन क्या है? हमारी बॉडी में जब भी हम अपने किसी बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो वी हैव टू प्लेस आर बॉडी लाइक दिस. ओके, वी डोंट हैव टू प्लेस इट बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स हम अपनी बॉडी को प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हम जब भी अपनी बॉडी की बात करेंगे तो प्लेस हम करेंगे इस तरीके से. तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? लेफ्ट. दिस वन इज राइट. तो हमारा जो हार्ट है वो स्लाइटली लेफ्ट है टू द मिडिल चेस्ट. इट इज स्लाइटली लेफ्ट इन द मिडिल चेस्ट. हमारा जो चेस्ट होता है उसके स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होता है. इसका साइज अगर देखें तो इट्स साइज इज सेम एज आर फिस्ट. इसका जो साइज होता है वो हमारी फिस्ट के जितना होता है. अब हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है. ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट. तो हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आता है. टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर हार्ट हैज़ फोर चैम्बर्स.
फोर चैम्बर्स कैसे? सबसे पहले हम मैंने क्या बोला कि दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड सो दिस विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस विल बी द राइट साइड ऑफ द हार्ट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल. ठीक है, मैंने आपको फोर चैम्बर्स बोले तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. तो वी हैव फोर चैम्बर्स टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आए. सबसे पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी से कलेक्ट होके और हार्ट तक पहुँचे. ठीक है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है वेना कावा. वेना कावा एक वेन है, तो दिस इज द वेना कावा, दिस इज द वेना कावा. वेना कावा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि एक जो जो वेन हमारे ऊपर से ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से, दैट इज ब्रेन हैंड्स, इन सब से जो ब्लड कलेक्ट करके आती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा. तो दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा. और जो हमारे हार्ट के नीचे वाले पार्ट से, जैसे कि लेग्स हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, इन सब से जो ब्लड कलेक्ट करके आती है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा. ये वेना कावा क्या है, ये वेना कावा एक वेन है, ये वेना कावा क्या है, एक वेन है. अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, दो तरीके की आपको ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलेंगी, या कह सकते हैं ट्यूब्स देखने के लिए मिलेंगी. एक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आ रही होगी, ठीक है, और एक ट्यूब जो हार्ट से ब्लड लेके जा रही होगी. The tube that brings the heart toward the blood towards the heart is known as vein. The tube that brings blood towards the heart is known as vein. Okay, and the tube that carries the blood away from heart is known as, away from heart is known as artery. तो हमने इसको vein क्यों बोला? Because it is bringing the blood towards the heart. The blood that is carrying carbon dioxide in it. यहाँ पे जो blood आ रहा है it is deoxygenated blood. It has to collect the blood from each and every part of the body. So it has to be the largest. क्योंकि उसको blood हर एक एक body part से लेके आना है, तो यहाँ पे जो हमारी vein होगी largest vein होगी. तो हम इसको लिख देते हैं important में कि it is the largest vein. Understood my point? क्योंकि it has to collect the blood from each and every part of the body, that is why it has to be the largest. इसलिए ये vein हमारी यहाँ पे largest होती है. इसके बाद हमारा जो deoxygenated blood को हम red से denote करेंगे, deoxygenated, okay? और हम oxygenated blood को हम करेंगे green से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ हमारा आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया इन्फीरियर, यहाँ पे आया इन्फीरियर वेना कावा से, और यहाँ से आया सुपीरियर वेना कावा से. ओके, ये सारा का सारा ब्लड अब कलेक्ट हो गया हमारा राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल हो गया रिलैक्स, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भर गया है. ओके, जब ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा then all the blood will move to right ventricle. सारा का सारा blood कहाँ जाएगा, right ventricle में. अब क्या हो गया, right auricle ने contract किया है, right ventricle क्या हो गया, relax हो गया, सारा blood आ गया हमारा right ventricle में. okay, अब right ventricle से वापस से blood जो है right auricle में ना चला जाए, that is why we are having walls here. To prevent the backflow of the blood, there are walls in the heart so that it can prevent the blood to move backwards. तो इस valve को हम क्या बोलते हैं, इस valve को हम बोलते हैं tricuspid valve. मैं बहुत स्लोली आपको हार्ट का डायग्राम बता रही हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए. अब हमारा क्या हो गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अभी ये क्या हो गया, रिलैक्स कर गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा ब्लड आके कलेक्ट हो गया. अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारा इसके थ्रू
इस वाली आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा? लंग्स में, यहां हमारा चला जाएगा ये लंग्स का, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब लंग्स में कैसा ब्लड आएगा? हमारा लंग्स में क्या हो जाएगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा। बट इसको हम बोलेंगे क्या? देखो, लंग्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं वैसे डॉक्टर्स को हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है? लंग्स तक लेके जा रही है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, एक आर्टरी बोला है, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये लंग्स तक ब्लड को लेके जा रही है, इसलिए हमने इसको बोला है पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि लंग्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं हम उनको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो अभी इसलिए वो पल्मोनरी वर्ड आया है लंग्स की वजह से, और आर्टरी ये क्यों है, क्योंकि इट इज़ कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड, कहाँ लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी से भी ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए इसके लिए यहाँ पे फिर से वॉल्स हैं, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड है इसलिए हमने इसको अगेन बोला पल्मोनरी वॉल्व। ये उतना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इनकेस एनसीईआरटी में मतलब मेंशनड हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में मेंशन एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो इन केस होगा तो एक्स्ट्रा नॉलेज इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू, सो एक्स्ट्रा नॉलेज करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फाइनली ब्लड कहाँ चला गया, हमारा लंग्स तक। लंग्स में क्या है, लंग्स इज अ प्यूरिफिकेशन सेंटर, हार्ट इज़ नॉट अ प्यूरिफिकेशन सेंटर। सी, कहीं भी हार्ट आपको अभी तक प्यूरीफाई होता हुआ हार्ट में प्यूरीफाई होता हुआ दिखा ब्लड? नो, तो इट हैज़ टू गो टू लंग्स टू फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। सो इन दी सर्फे ऑन द सर्फेस ऑफ द एल्वियोलाई जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। फाइनली अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी हमारा कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड हमने रेड कलर से डिनोट किया है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग से प्यूरीफाई होके आएगा तो ये इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, तो आता है लेफ्ट ऑरिकल में। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अब बताओ हमारे हार्ट के कौन से पार्ट में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो कौन सा होता है, राइट ऑरिकल। अंडरस्टूड? तो अब हमारा हार्ट में आ गया कौन सा, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये स्टिल ये क्या है, लंग से रिलेटेड है, ये जो ट्यूब है ये हार्ट तक लेके जा रही है ब्लड को, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। क्यों? बिकॉज इट इज कैरिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट तक लेके जा रही है हमारे ब्लड को, इसलिए हमने इसको पल्मोनरी वेन बोला है। पल्मोनरी इसलिए बोला है क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? अब हमारी ब्लड, हमारा सारा का सारा ब्लड आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, तो लेफ्ट ऑरिकल क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, क्योंकि इसमें सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब भर चुका है। नाउ जब व्हेन लेफ्ट ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, द ब्लड विल कम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सारा का सारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे भी वॉल्स है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, इसको हम क्या बोलेंगे, मिट्रल वॉल्व। ओके, मिट्रल वॉल्व, ये अब ये प्रिवेंट करेगा कि वापस से बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का सारा ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में ना चला जाए वापस से। अब हमारा क्या हो गया, सारा का सारा ब्लड आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, अभी रिलैक्स होगा क्योंकि सारा का ब्लड इसके अंदर आ गया, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा का सारा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल किसकी हेल्प से, इन कार्डियक मसल जो है, देखो यहाँ पे आपकी स्मॉल मतलब कम कार्डियक मसल, बट यहाँ पे देखो कितनी ब्रॉड है कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो ब्लड, ये ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लगाता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड पे प्रेशर लगता है, ठीक है। और सारा का सारा ब्लड वन फ्लो में कहाँ चला जाता है, यहाँ, और ये फिर जाके सारी बॉडी पार्ट्स तक
फैला देता है ब्लड. तो अब इसको क्या करना है, सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को फैलाना है. तो इसको क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए. मैंने क्या किया था यहाँ पे, क्योंकि सारी ब्लड सारा जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हर बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर रहा था, तो ये वेन लार्जेस्ट थी, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये एओर्टा, इसको हम बोलते हैं एओर्टा, इसको सारा का सारा ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, तो इट हैज़ टू बी द लार्जेस्ट. एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ एन आर्टरी. तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक आर्टरी. इस आर्टरी का नाम क्या है, एओर्टा, और इट हैज़ टू बी द लार्जेस्ट. ये हमारी लार्जेस्ट आर्टरी रहेगी, क्योंकि बिकॉज इट इज टेकिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड इट इज गिविंग द ब्लड टू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, तो इट हैज़ टू बी द लार्जेस्ट. सो ये होता है हमारी बॉडी का, हमारे हार्ट का पूरा मैकेनिज्म. सबसे पहले डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट और राइट ऑरिकल में आएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल. जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा ब्लड हमारा चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में से जाएगा लंग्स में, लंग्स में हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा और अब ब्लड हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड. अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड. और ये जो ये कार्डियक मसल्स हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल की हेल्प करेंगी कॉन्ट्रैक्ट करने में, और बहुत तगड़ा प्रेशर एग्जर्ट होगा और सारा का सारा जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा. समझ में आ गई बात. अब देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम बार बार आर्टरी और बार बार वेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो आर्टरी और वेन्स का एक डिफरेंस समझते हैं कि आर्टरी और वेन्स एक्चुअली में ये है क्या. देखो यहाँ पे बात करेंगे हम आर्टरी की और यहाँ हम बात करेंगे वेन्स की, ठीक है. देखो आर्टरी जो है हमेशा, आप देखो कैसा ब्लड कैरी कर रही है, हार्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. क्यों, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से लेकर के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन तो हर एक एक सेल तक जानी है, ठीक है. तो हमेशा जो करती है आर्टरी वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन कैसा ब्लड कैरी करेगी, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. क्यों, क्योंकि वो सारे बॉडी पार्ट से ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है हार्ट तक, ताकि भाई हार्ट एग्जर्ट करे प्रेशर, लंग्स के थ्रू प्यूरिफिकेशन हो और फाइनली हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए, ठीक है. तो हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेगी वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट एक एक एक्सेप्शन है, ये हार्ट में ही देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी जो थी हमारी, पल्मोनरी आर्टरी, यस दिस वन में हमने कौन सा कलर यूज़ किया है, रेड कलर. तो ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड. यहाँ से जो ब्लड आया ये सिर्फ अकेली एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो एक्सेप्शन है कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी और वेन में देखो, वेन में क्या है, पल्मोनरी वेन एक अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है. क्यों, क्योंकि लंग से ब्लड लेके आ रही है हार्ट तक, और वेन क्या करती है, हार्ट तक ब्लड लेके आती है, इसलिए क्या है, एक वेन है. और हमेशा ये कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो गया क्या, पल्मोनरी वेन. ये बात समझ में आ गई. अब हम ये तो समझ ही गए हैं कि आर्टरी ऑलवेज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. जो आर्टरी है हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है. आर्टरी का काम कर रही है, एओर्टा क्या है, एक आर्टरी है, क्या कर रही है, ब्लड को दूर लेके जा रही है. कहाँ लेके जा रही है, हर एक बॉडी पार्ट तक. पल्मोनरी आर्टरी ये क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है. कहाँ लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है, ताकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो सके. तो ब्लड हमेशा, जो आर्टरी है हमेशा क्या करती है, इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. और वेन क्या करती है, हमेशा लेके जाती है टूवर्ड्स द हार्ट.
देखा ना हमने यहाँ पे वो वेना कावा थी, जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा क्या कर रही थी, बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड तक, ब्लड हार्ट तक पहुँचा रही थी। तो इसीलिए क्या करेंगी, हमेशा टूवर्ड्स और ये हमेशा अवे। अब देखो हमेशा आर्टरी को क्या करना है, देखो कितना ज़्यादा ये कार्डियक मसल्स यहाँ पे बहुत ब्रॉड होती है, ये कार्डियक मसल बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती हैं बॉडी में, आई मीन ब्लड में, ताकि क्योंकि उसको क्या करना है, बॉडी पे हर एक सेल तक उसको ये ब्लड पहुंचाना है। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। मैं ये मार्कर यहाँ से वहाँ तक फेंकूँगी और मैं ऐसे यहाँ पे गिरा दूँगी हल्का ही प्रेशर लगा के या हल्का ही फोर्स लगा के, तो क्या होगा, ये यहीं गिर जाएगा। बट अगर मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, मुझे वो उस वाली वॉल तक पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे एक फोर्सफुली इसको फेंकना पड़ेगा ताकि मेरे डेस्टिनेशन तक ये मार्कर पहुंच जाए। इसलिए सेम फिनोमिनन यहाँ पे है, अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर नहीं लगेगा तो ये इतने प्रेशरफुली, इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, तो ये कैसे सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुँचाएगा। तो क्या करता है, हमेशा जो आर्टरी है, आर्टरी में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, हमेशा आर्टरी में क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्रॉड मसल्स हैं, इसको बोलते हैं हम कार्डियक मसल्स, ये है कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल क्या करते हैं, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द ब्लड सो दैट इट कैन मूव द ब्लड थ्रू एओर्टा एंड एंड कैन ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल, टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा आर्टरी में और प्रेशर कम होगा वेन में, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होगा इसीलिए देखो इसकी वॉल्स कैसी रहेंगी, थिक रहेंगी, इलास्टिक रहेंगी, क्योंकि अगर देखो प्रेशर ज़्यादा है, अगर वॉल पतली रही, थिन रही, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल का फटने का डर है। वॉल अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और वॉल थिन रहेगी तो क्या होगा, वॉल ब्रेक हो जाएगी। तो उस वॉल ब्रेक ना हो इसलिए क्या है, ये थिक है और इलास्टिक भी इसलिए क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा इलास्टिक रहेगी तो मूवमेंट ईजिली हो जाएगी, इसीलिए क्या होगा, वॉल हमेशा थिक होती है और इलास्टिक होती है। बट वेन्स में ऐसा नहीं होता, वॉल वेन्स की थिन होती है क्योंकि प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो वॉल्स थिन भी रहेंगी, तब भी प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो इतना कुछ थिक वॉल की ज़रूरत एज सच नहीं है, थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है इन कंपेरिजन टू आर्टरी, आर्टरी के कंपेरिजन में थिन होंगी और आर्टरीज के कंपेरिजन में ये लेस इलास्टिक भी होंगी। अब देखो नेक्स्ट, देखो जो आर्टरीज होती हैं डीप सीटेड होती हैं और ये जो वेन्स होती हैं सुपरफिशियल होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। आर्टरीज डीप सीटेड क्यों होती हैं, देखो आर्टरीज में है प्रेशर ज़्यादा, आर्टरीज में हमारा प्रेशर ज़्यादा है, अगर आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा है और अगर वो वेन्स हमारे सरफेस पे ही रहीं, जैसे वेन्स ये जो हमें दिख रही हैं हमारे हाथ में या बहुत जगह दिखती हैं, तो ये क्या है, ये सब वेन्स हैं, आर्टरीज नहीं दिखती हम लोगों को। कि वेन्स क्यों दिखती है, क्योंकि वेन्स तो भाई सुपरफिशियल है, मैंने लिखा भी है ना, सुपरफिशियल होती है वेन्स, वेन्स में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, हल्का सा अगर कट भी लग जाता है तो इतना ब्लड फ्लो नहीं होगा। बट आर्टरीज में क्या, आर्टरीज में तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, अगर ये सुपरफिशियल हो जाती तो हल्का सा भी कट लग जाने से हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने का डर रहता। सो टू प्रिवेंट दैट ब्लड लॉस, जो ये आर्टरीज होती हैं ये डीप सीटेड होती हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रेशर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, अंडरस्टूड। तो इसलिए आर्टरीज होती है डीप सीटेड, हमें जो इंजेक्शंस भी लगते हैं वो भी हम कहाँ अप्लाई कराते हैं, वेन्स में, क्योंकि ये क्या होती है, सुपरफिशियल ऊपर होती है तो वेन्स में ईजिली इंजेक्शन लग जाता है, ठीक है। हमारे इंजेक्शन कहाँ लगते हैं, वेन्स में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आर्टरीज को हम हमेशा क्या बोलते हैं, आर्टरीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। अभी आप ये समझ लो, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि एक्चुअली में ऐसा इसको क्यों बोला गया है, और वेन्स को कलेक्टिंग वेसल बोला गया है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम, कि इसको क्या करना है, ब्लड हर एक एक बॉडी पार्ट से, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है, तो इसे क्या करना है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। और वेन्स को क्या करना है, हर एक बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके ब्लड लेके आना है, कैसा ब्लड लेके आना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, कलेक्टिंग वेसल। बट और अच्छे से हम समझेंगे जब हम कैपिलरीज की बात करेंगे, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आर्टरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वेन्स के लिए। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है,
और ब्लड ये हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, हार्ट से दूर लेके जाती है आपको, आपके ब्लड को. देन प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर भी बताएंगे वो. तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टॉलिक और डायस्टॉलिक प्रेशर जो होता है उसकी भी बात करेंगे अभी. बट यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इसलिए वॉल्स भी थिक हैं, इलास्टिक हैं. ये आर्टरीज डीप सीटेड होती है हमारी बॉडी में, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर दिखती नहीं है, थोड़ी अंदर की साइड होती हैं, ताकि अगर हल्का कट लग जाए तो ये भी हमारे ब्लड का लॉस ना हो सके, टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस. और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं. देन वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन. और वेन्स हमेशा हार्ट तक लेके जाती हैं ब्लड को, हमने देखा था यहाँ पे वेना कावा लेके जा रही थी हार्ट तक, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन लेके आ रही है हार्ट तक लंग्स से. देन ये सुपरफिशियल, ये थिन होती है क्योंकि प्रेशर कम है तो ये थिन होंगी, लेस इलास्टिक होंगी. सुपरफिशियल है क्योंकि ऊपर ऊपर होती है, हमें दिख जाती है इजीली, और इसलिए इंजेक्शंस भी इसी में हम लगाते हैं. देन इसको हम कलेक्टिंग वेसल बोलते हैं क्योंकि इसको कलेक्ट करके ब्लड को लेके आना है हमारे हार्ट तक पहुँचाने के लिए. अब देखो मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ एक चीज़ और समझते हैं. हम बोल रहे हैं देखो ये है हमारा सेल समझ लो, मान लो ये हार्ट है. वेन क्या कर रही है, हार्ट तक लेके जा रही है. आर्टरीज क्या कर रही हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ. आर्टरीज में हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, वेन्स में हम कह रहे हैं कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम है आर्टरीज के कंपैरिजन में. तो और ये मान लो कोई आपका सेल है जिसमें आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना है, ये आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करेंगी आपका, हमेशा ऑक्सीजनेटेड. और वेन कैसा ब्लड हमेशा कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड. तो ये ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल में हो कैसे रहा है, क्योंकि आर्टरीज तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं. वेन्स में प्रेशर भी कम है, आर्टरीज में प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है. ये तो प्रेशर डिफरेंस ही है एक्चुअली. सेल के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है, ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में कैसे बदलता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में कैसे बदलता है, तो पूरा ये फिनोमिना हम समझेंगे यहाँ पे. देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना आर्टरीज में होता है ना वेन्स में होता है. ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली में होता है ये फाइन ट्यूब्स में, ये फाइन ट्यूब्स, फाइन ब्लड वेसल्स जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. ये क्या है, ये है कैपिलरीज. इन फाइन ट्यूब्स में होता है बेसिकली हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसको एकदम से प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने से इसकी थिन है, ये इसकी वॉल्स कैसी हैं, थिक है, चलो ये तो एडजस्ट कर लेंगी इतना हाई प्रेशर. बट इसकी वॉल कैसी है, इसकी वॉल तो काफ़ी ज़्यादा थिन है और इतनी इलास्टिक भी नहीं है, तो ये इतना प्रेशर कैसे होल्ड कर पाएगी. तो हमें सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमें इस प्रेशर को कम करना है ताकि वेन उसको होल्ड कर सके, क्योंकि वेन की वॉल्स कैसी हैं, थिन है, तो वेन उस प्रेशर को होल्ड कर सके. इसलिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसके प्रेशर को कम करना पड़ेगा. तो इसीलिए मैंने आर्टरीज को आपको क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्योंकि ये क्या कर रही है, देखो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये ब्लड पूरे अब ये फाइन ट्यूब्स में जो है, ये कह सकते हैं ब्लड वेसल्स, फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं ये फाइन ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इसीलिए हम आर्टरीज को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल. अब क्या होगा, देखो ये जो ब्लड एंटर किया कैपिलरीज में, तो ये फाइन ट्यूब्स में, फाइन ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो प्रेशर तो ऐसे ही हल्का सा कम हो गया. और वैसे भी व्हेन ब्लड एंटर्स द कैपिलरीज इट गेट्स फिल्टर्ड, यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन होता है ब्लड में. देखो चार चीज़ें होती हैं ब्लड में, होता है WBC, RBC, हम बात करेंगे आगे, बट अभी आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे रही हूँ कि ब्लड में हमारे WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं, ठीक है. अब इस ब्लड में क्या होगा, जब मैं बोल रही हूँ कि ब्लड में फिल्ट्रेशन होगा, तो WBC और प्लाज्मा, जब WBC और प्लाज्मा फिल्टर्ड हो जाएंगे, किसी के अंदर इतना सारा कंटेंट था और उस कंटेंट को हमने थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लिया, तो उसका प्रेशर तो अल्टीमेटली कम हो गया, द प्रेशर गॉट डिक्रीज, एंड दिस इज व्हाट वी वांट. हमें तो प्रेशर को डिक्रीज ही करना था, तो प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया. अब ये WBC और प्लाज्मा कहाँ रहते हैं, देखो ये प्लाज्मा इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, जो सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, देखो ये होते हैं इंटरसेल्युलर, जैसे मान लो ये सेल्स हैं,
इस सेल्स के बीच में जो ये वाला स्पेस दिख रहा है ना आपको, सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये WBC और प्लाज्मा क्या करते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में आके कलेक्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ से एक लिम्फैटिक, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में कलेक्ट हुए, फिर यहाँ से एक आती है लिम्फैटिक वेसल, फिर यहाँ से ये सारे कलेक्ट हो जाते हैं एक लिम्फैटिक वेसल में। समझ में आ गई बात? सबसे पहले क्या हुआ, जो ब्लड एंटर किया, व्हेन द ब्लड एंटर्स द कैपिलरीज इट गॉट फिल्टर एंड इट फिल्टर्स आउट द प्लाज्मा एंड द प्लाज्मा एंड WBC, देन दिस प्लाज्मा एंड WBC कलेक्ट इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस, afterwards it got collected in lymphatic vessel, वो सारा का सारा collect होकर एक lymphatic vessel में collect हो जाता है। ठीक है, lymphatic vessel में collect होता है, और इसका concept थोड़ा सा अलग है तो यहीं पर discuss कर लेते हैं। ये lymphatic vessel क्या करती है, किसी भी organ को आपस में उसके surrounding में ना कुछ वो उसका surround कर लेती है, मतलब गोल गोल उसके सामने लग जाएंगी। जैसे ही अब इनका काम क्या होगा, देखो WBC का काम क्या होता है, डिफेंस mechanism हम बात करेंगे, बट WBC का काम बेसिकली होता है डिफेंस mechanism का। वो हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी एंटीजन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, या तो उसको मार देगी या तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। इधर इट विल किल द दैट बैक्टीरिया और द इन्फेक्शन, दैट बैक्टीरिया और द वायरस जो भी हमारी बॉडी में एंटर किया है, एंड और इट विल मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। तो क्या करेगी, दोनों ही काम कर सकती है। जैसे ही वो डिटेक्ट करेगी कि हमारी बॉडी में एक कोई इन्फेक्शन या कोई अननोन ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया है, तो वो एक्टिव हो जाती है। वो कैसे एक्टिव, उसके किसी भी ऑर्गन की क्या करेगी अगेंस्ट, मतलब उसके सराउंडिंग्स में, उसके सरफेस पे आके लिम्फेटिक वेसल्स बैठ जाएंगी। अब वो बैठ जाएंगी, वो देखेंगी कभी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है। जैसे ही कोई इन्फेक्शन वो डिटेक्ट करेंगे, वैसे ही वो अपना काम शुरू कर देंगे और कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे या फिर उन बैक्टीरिया को किल कर देंगे। तो हमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ इज नथिंग बट WBC एंड प्लाज्मा फिल्टर्ड आउट फ्रॉम कैपिलरीज, जो फाइन ट्यूब्स दैट इज कैपिलरीज से कलेक्ट होके या कह सकते हैं फिल्टर होके निकलती हैं WBC एंड प्लाज्मा, उसी को हम बोलते हैं लिम्फ। ये क्या है, ये लिम्फ है। कोई आपसे अगर पूछेगा कि बताओ बेटा लिम्फ क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट WBC एंड प्लाज्मा फिल्टर्ड आउट फ्रॉम कैपिलरीज। अब देखो, अब इतनी चीजें इसके अंदर से निकल गई, तो प्रेशर क्या हो गया, अब कम हो गया प्रेशर। अब ब्लड में जो प्रेशर हाई था, वो प्रेशर अब हो गया कम, तो अब ये वेन्स जो हैं इस प्रेशर को होल्ड कर सकते हैं। आपका पहला काम ही यही था कि आपको प्रेशर जो डिफरेंस है बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन, यू हैव टू सबटल दैट प्रेशर। तो उस प्रेशर को सबटल बनाने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले फिल्टर कर लिया, और जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कोई चीज़ हाई प्रेशर से आ रही है और वो फाइन वेसल्स में क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो प्रेशर क्या हो जाएगा उन वेसल्स में, कम हो जाएगा। इसीलिए वेन्स को हमने क्या बोला, कलेक्टिंग वेसल, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये फाइन वेसल्स जो थी, फाइन वेन्स जो थी, ये क्या हो गई, किसी एक उसमें कलेक्ट हो गई, इसलिए हम इसको बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में होता है, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में, तो होता है कैपिलरीज में। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और समझ में आ गया होगा आपको मोस्ट प्रोबेबली। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, अब हम समझते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने जो भी कुछ हार्ट में पढ़ा है, वो सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाएगा और हम एक बार आर्टरीज और वेन्स को भी उसमें अच्छे से कर लेंगे कवर। एक आपका चैप्टर में टॉपिक है, दैट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो भी कर लेंगे फटाफट से। देखो, हमने बात की कि हमारा जो हार्ट है, इट इज़ 4-chambered। तो हार्ट हमारा 4-chambered होता है। जब हम अपनी बॉडी को इस तरीके से सेपरेट करें, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, तो दिस इज राइट साइड, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम एक सिस्टमैटिक डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बट एक ऐसे ही समझ रहे हैं कि फोर चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में आपस में कॉन्टैक्ट में ना आए। और एक चीज़ जो मेरी वहाँ पे मिस हो गई, ये वेंट्रिकल्स को देखो, यहाँ से भी तो ब्लड आपस में क्या हो सकता है, मिक्सिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इसको हम वॉल को बोलते हैं सेप्टम। डायग्राम में मैं ये बताना आपको मिस कर चुकी थी। देन दिस इज लंग्स, हम लंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये लंग्स हैं। लंग्स क्या है, लंग्स इज अ प्यूरिफिकेशन सेंटर, हार्ट इज आर मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये सेप्टम वाला पॉइंट आप ऐड कर लेना। देन दिस इज द बॉडी पार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया था, हर एक बॉडी पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज हम रेड कलर यूज करेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। सारा का सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आया था,
राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड था, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था हर एक एक बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। ये कैसी है, लार्जेस्ट वेन है बिकॉज इट इज कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दैट इज व्हाई इट इज अ वेन, इट इज द लार्जेस्ट, इट हैज टू बी द लार्जेस्ट, व्हाई बिकॉज इट हैज टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट एंड हैज टू ट्रांसपोर्ट इट टू द हार्ट। नाउ अब ये हार्ट जब राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा किसके थ्रू आएगा, ये जो यहाँ पे एक वॉल्स लगी होंगी जिसके थ्रू उसका जो बैक फ्लो है वो रुक जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। इसके बाद सारा का सारा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स तक जाएगा, किसके लिए, प्यूरिफाई होने के लिए। प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा इसको, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी। पल्मोनरी क्यों बोला है, क्योंकि पल्मोनरी जो लंग्स है, लंग्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उनको पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो पल्मोनरी वर्ड ही लंग्स से ही आया है। ये है पल्मोनरी आर्टरी, इसको आर्टरी क्यों बोला, बिकॉज इट इज़ कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से देखो दूर लेके जा रहा है ना, कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स तक लेके जा रहा है। यह पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक एक्सेप्शन है, ये एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। यहाँ पे भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो लंग्स है हमारा, ये लंग्स क्या है, प्यूरिफिकेशन सेंटर है, यहाँ पे ब्लड हो जाएगा प्यूरिफाई और डीऑक्सीजनेटेड से चेंज हो जाएगा कैसे में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है ट्यूब, इसलिए इसको पल्मोनरी बोला गया है, पल्मोनरी, एंड इट इज कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। देखो ये भी टुवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही थी, इसको वेन बोला था, तो ये भी क्या है, एक पल्मोनरी वेन है। वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन। वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट देखो यहाँ पे कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर वॉल्स के थ्रू, मिट्रल वॉल्व के थ्रू, ये मिट्रल वॉल्व के थ्रू आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और मिट्रल वॉल्व ये इंश्योर करती है कि ब्लड वापस से लेफ्ट ऑरिकल में ना चला जाए, तो सारा का सारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कार्डियक मसल, उस पर क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और सारा का सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा सारे बॉडी पार्ट्स तक। अब एओर्टा को कैसा होना चाहिए, आर्टरी, ये क्या है, वेन है, आर्टरी है, ये एक आर्टरी है, क्यों, बिकॉज इट इज कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, सो दिस इज आर्टरी, इट हैज टू बी द लार्जेस्ट, क्यों, बिकॉज इसको क्या करना है, हर एक एक बॉडी पार्ट तक ब्लड को देना है, ब्लड सप्लाई करना है हर एक एक बॉडी पार्ट तक, इट हैज टू बी द लार्जेस्ट। सो ये हमारा था एक फ्लो चार्ट और एक स्मॉल सा डायग्राम जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे हार्ट में, हम बोलते हैं ह्यूमंस में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखो कि दो बार हार्ट में ब्लड आ रहा है, सबसे पहले कहाँ आ रहा है, एक बार राइट ऑरिकल में आ रहा है ब्लड, और एक बार कहाँ आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। हमने देखा ना कि हमारे हार्ट में दो बार ब्लड आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, अंडरस्टूड। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम अपने हार्ट को क्यों बोलते हैं, बिकॉज आर हार्ट रिसीव्स द ब्लड ट्वाइस, ठीक है, इसलिए हमारे, हम अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर बोलते हैं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट फिशेज में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, क्यों, उसमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारे देखो प्यूरिफाई होने के लिए ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है, इसीलिए तो फिर लंग्स से हो रहा है तो दूसरी बार भी ब्लड आ रहा है। बट फिशेज में क्या होता है, जो उनके गिल्स है वहाँ पे लंग्स वाला काम कौन कर रहा है, गिल्स कर रहा है, वो गिल्स हार्ट से एकदम अटैच्ड है, जैसे मान लो ये हार्ट है तो गिल्स इससे अटैच्ड है, तो कहीं और ब्लड को जाने की, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स में जा रहा है प्यूरिफाई होने के लिए, बट यहाँ पे अगर हार्ट से अगर गिल्स अटैच हो जाएंगी तो प्यूरिफिकेशन भी तो वहीं हो जाएगा ना,
तो हार्ट में सिर्फ एक बार वहाँ पे ब्लड आता है, एक बार डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, प्योरिफिकेशन भी वहीं होता है और पंपिंग वाला काम भी हार्ट करता है और फाइनली एक ही बार ब्लड वहाँ से निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो एक बार डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक ही बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला, तो फिर वहाँ पे इसलिए सिंगल सर्कुलेशन बोलता है, बिकॉज इन फिशेज द हार्ट रिसीव्स द ब्लड ओनली वंस। अंडरस्टूड? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जो रिदमिक साउंड है हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट की जो रिदमिक साउंड है वो लब डब है। हम जब धक धक सुनते हैं, इट इज़ नॉट दैट धक धक, इट इज़ लब डब। अब हम समझेंगे कि ये लब डब की साउंड किस तरीके से एग्जर्ट होती है और हम किस तरीके से, अच्छा, हमारे हार्ट का जो, हमारे हार्ट में बीपी एक मशीन होती है ब्लड प्रेशर काउंट करने की। तो सबसे पहले समझेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर देखो क्या होता है, हमने देखा हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट था, इसमें था ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अंडरस्टूड? जब हम देखते हैं कि ये दोनों, मतलब लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और ये दोनों क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस साउंड को जो प्रोड्यूस होती है इसको हम बोलते हैं लब साउंड। अंडरस्टूड? अब फिर से बनाएंगे, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये दोनों कौन कौन, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसी रिदमिक साउंड आती है यहाँ पे डब। तो ये धक धक नहीं है, इट इज़ लव डब। ये साउंड आप सुनते होगे, एक मैम जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो कान में लगाते हैं अपने स्टेथोस्कोप, उससे हम ये साउंड सुनते हैं लव डब, ठीक है। जो परफेक्ट एक हार्ट, अगर कोई हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, तो ये लव डब साउंड आपको ये यू नो अल्टरनेट सुनाई देती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि मैंने आपको बताया था कि जब इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे, यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो इस पर कार्डियक मसल इसकी हेल्प करेगी। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कार्डियक मसल काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू बाहर निकल जाता था। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टॉल, ठीक है। और ये जो प्रेशर ब्लड पे लगा रहा है कार्डियक मसल, इस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे हार्ट हमारा, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। और इस प्रेशर को, ये जो प्रेशर अभी एट प्रेजेंट इसके पास लगा, जो ब्लड पे लगा हुआ है, दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। हमारे पास एक मशीन होती है जिसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये बीपी मेजर करने की मशीन होती है, इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये बीपी मशीन आपकी हेल्प करती है बीपी ब्लड प्रेशर को काउंट करने के लिए। जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे यू नो होता रहता है, तो टू काउंट दैट और टू मेजर दैट प्रेशर इज वी यूजुअली हेल्प स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इस वाले कंडीशन में जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर है। तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, 120 mm, और ये जो हाई बीपी लो बीपी की बात करते हैं, ये हो गया आपका हाई बीपी। और लो बीपी क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेशर उतना एग्जर्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 80 mm। नॉर्मल जो कंडीशन होती है हार्ट की और उसमें जो प्रेशर लगना चाहिए, दैट इज़ 120 mm and 80 mm। तो ये क्या होता है, लो बीपी, और ये होता है हाई बीपी। और इससे वेरिएशन आता है, तो किसी को भी बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उसको रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है ताकि हमारा बीपी कंट्रोल में रहे। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम्स में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। एक अब हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है, दैट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। इसका नेचर क्या है, ये एक फ्लूइड है नेचर में,
It is a connective tissue and it is fluid in nature. Now, what else about blood? Blood is the only medium in our body through which we can transport things from one place to another. Be it oxygen, CO2 ho, vitamins ho, minerals ho, now protein, kuch soluble proteins, in fact, waste जैसे कि यूरिक एसिड हो गया या फिर नाइट्रोजन इज वेस्ट हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, इन सब को हम सिर्फ ब्लड के थ्रू, ब्लड इज़ द ओनली मीडियम जिनके थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, अब ब्लड क्या है? देखो, ब्लड में चार चीज़ें होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. ये चार चीज़ें हैं हमारे ब्लड के अंदर. RBC क्या होता है? देखो, RBC इज रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स. ये ऑक्सीजन से, लंग्स से क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू अदर बॉडी पार्ट्स, और सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है. इट कैरीज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लंग्स सो दैट इट कैन बी एक्सहेल्ड. ये क्या करेगी? सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उन्हें क्या करेगी? कैरी करेगी और लंग्स तक पहुंचा देगी, ताकि जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दें. जब हम इन्हेलेशन का प्रोसेस करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इन्हेल करते हैं और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो भी इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी पार्ट से क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर रही है और लंग्स तक पहुंचा रही है. फाइनली हम उसे एक्सहेल कर रहे हैं. अंडरस्टूड? और RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, एंड द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन. इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड contains hemoglobin. Understood? तो ये क्या कर रही है? रेड ब्लड सेल्स है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, और हीमोग्लोबिन भी होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो होता है रेड कलर होता है. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू WBC. WBC इज वाइट ब्लड सेल. ये वाइट ब्लड सेल होती है, ये हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करती है. इट एक्चुअली ट्रैवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम. इट ट्रैवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड एंश्योर्स दैट इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन हैज एंटर, और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन हैज एंटर द बॉडी, और एनी काइंड ऑफ एंटीजन हैज एंटर द बॉडी, इट बिकम्स एक्टिव. इट यू नो नोटिफाइज द अदर मेंबर्स ऑफ द WBC. ये क्या करेगा? हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, और ये डिटेक्ट करेगा कि कब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है. जैसे ही ये डिटेक्ट कर लेगा कि येस, हेयर इज द इन्फेक्शन, और हेयर इफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म हैज एंटर्ड द बॉडी, वायरस, बैक्टीरिया, सो इट डिटेक्ट्स ऑल दैट. और इसके बाद क्या करेगा? इट नोटिफाइज द अदर मेंबर्स. वो अदर मेंबर जो और WBC के मेंबर्स होंगे, उन सबको, WBC और जो WBC होंगी उन सबको नोटिफाई कर देगा कि देखो यहाँ पे एक इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किसी एंटीजन ने एंटर किया है बॉडी में. और फिर वो कलेक्टिवली क्या करेंगे? अपना डिफेंस मैकेनिज्म शुरू करेंगे. कैसे डिफेंस मैकेनिज्म शुरू करेंगे? या वो उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे, और दिल में एक एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन, किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे. ठीक है, इसीलिए हम ये जो WBC होता है इसको आर्मी जर्नल का भी नाम देते हैं. ये एक आर्मी जर्नल की तरह काम करता है, क्योंकि आर्मी जर्नल का भी काम क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले क्या करता है? उसको डिटेक्ट करता है, फिर अपने सारे मेंबर्स को नोटिफाई करता है, और फिर वो कलेक्टिवली अपना काम करते हैं. तो वैसे ये डिफेंस मैकेनिज्म का भी जो फंक्शन है वो इसी तरीके से करता है, इसलिए इसको बोलते हैं. नाउ प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये कलरलेस फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर है हमारे ब्लड में. इट इज़ अ स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल्सो कलरलेस. ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो हमारे ब्लड में सस्पेंडेड है. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. हाउ? जैसे इफ़ यू गॉट एनी काइंड ऑफ कट इन योर बॉडी, so what happens? The blood starts
coming out. So to prevent the blood loss, to prevent the more blood loss, so what happens? They make a clot. जहाँ पे भी आपका कट लगा है वहाँ पे एक क्लॉट डेवलप कर लेंगे, क्लॉट बना लेंगे टू एंश्योर दैट, टू एंश्योर और टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस, ताकि वो क्या करें, ब्लड को प्रिवेंट कर सके और इंश्योर करें कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना, ठीक है ना। और अलग से प्लेटलेट्स क्या होती है, देखो हमारे जो बोन मैरो होता है उस बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं। जो हमारा बोन मैरो होता है, बोन मैरो, दे हैव स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स क्या करती हैं, ये स्टेम सेल्स फॉर्मेशन करती हैं आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी देन फॉर्म आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे स्टेम सेल्स हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को बनाती हैं। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपको, ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे बोन्स में आपको इजिली मिल जाएंगे, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे बोन्स में मिल जाएंगे। कलरलेस होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और स्टेम सेल्स इनका, इन तीनों का ही फॉर्मेशन करते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, कमिंग टू प्लाज्मा नाउ, प्लाज्मा इज वॉट, प्लाज्मा तो क्या है, 90% वाटर है, कुछ भी नहीं है। जो लिक्विड पार्ट होता है ना हमारे ब्लड का, इट इज़ ऑल प्लाज्मा। इट इज 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक मैटर। इट इज 90% वाटर, 90% तो चलो वाटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है, देखो ये ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है, विटामिन्स, विटामिन्स हो गया, सॉल्यूबल प्रोटीन्स हो गए, सॉल्यूबल प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब आपके जो आ जाएंगे इसके अंदर ही। कुछ कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब ये इसी के अंदर आते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, इट इज़ ओनली द 10% ऑफ द प्लाज्मा, बाकी सारा का 90% क्या हो गया। अब हम क्या कह रहे थे, देखो सर जो ब्लड था, ब्लड इज द ओनली मीडियम टू ट्रांसपोर्ट वॉट, टू ट्रांसपोर्ट दीज मटेरियल। ये देखो इसके फॉर्म में क्या हो सकता है, ये हमारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, O2, CO2, ये वो फलाना फलाना, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या आ जाएगा, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, देन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, और कुछ सॉल्यूबल प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, वो सब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड इज़ द ओनली मीडियम थ्रू विच वी कैन ट्रांसपोर्ट थिंग्स। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या करना है, ब्लड का ही सर्कुलेशन कराना है पूरी बॉडी में, समझ में आ गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और ट्रांसपोर्टेशन भी हम इसको इसीलिए ही बोलते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन का ही तो प्रोसेस कर रहे हैं, एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। क्योंकि हर एक एक सेल में डिमांड है, हर एक एक सेल को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, हर एक एक चीज़ की, क्योंकि जब सेल हेल्दी रहेगा तभी तो हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।